हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है छोटी होली, तो आप सभी को छोटी होली की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरा व्लॉग भी ये लेट मिलेगा आपको, क्योंकि जिस दिन छोटी होली थी उस दिन तो बहुत बिजी थे ही, और नेक्स्ट डे तो फिर बड़ी होली थी, तो उस दिन तो बिजी होना बनता ही था। तो आज बहुत सारे काम हैं, और उनमें से एक काम है ये कपड़े फोल्ड करना, क्योंकि ये एक से दो दिन पुराने कपड़े हैं जो मैंने वॉश करके रखे थे, और आज मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ। तो इसमें मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, और हस्बैंड के कपड़े कम हैं, क्योंकि उनके कपड़े मैं एक से दो दिन बाद वॉश करती हूँ, क्योंकि इतना चल जाते हैं जेंट्स के, फिर भी एक से दो दिन। तो हम लोगों का तो डेली मैं वॉश करती हूँ, बच्चों का भी वॉश रोज ही हो जाते हैं कपड़े। तो बस इनको फोल्ड करके मैं रखूँगी, और इसके बाद बहुत सारे काम हैं आज हमें, क्योंकि आज हम गुजिया बनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों के घरों में छोटी होली के दिन गुजिया बनती होगी, तो हमारे घर में भी बनती हैं, तो बस उसका बहुत सारा काम है। तो पहले जो इधर के काम है वो निपटा देती हूँ मैं, उसके बाद हम चलेंगे किचन में। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, और अभी 12 बज रहे हैं, और मैं हूँ किचन में, और मम्मी भी यहीं पर है। तो आज तैयारी हो रही है होली की, थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर सूजी जो है वो भून रही है, तो होली की हमारी थोड़ी थोड़ी तैयारी हो रही है। हाँ, तो फिर गुजिया बना देंगे, सोच रहे क्या है, बना ही रहे हैं। वैसे हम सोच रहे थे कि शायद बाहर से लेंगे, लेकिन थोड़ा सा शगुन कर रहे हैं, थोड़ा सा बना रहे हैं, क्योंकि गुजिया बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बच्चों के साथ खासकर, और अब मम्मी से भी हो जाता है ना, पैरों में मम्मी के दर्द रहता है, अब खड़े खड़े फिर मम्मी से बैठा भी नहीं जाता है, और अकेले के बस का भी नहीं है। गुजिया बना लो, गुजिया बनाना बहुत डिफिकल्ट है सच्ची में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग शगुन करने के लिए थोड़ा सा गुजिया वगैरह ना। और सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा शुभ आशीष प्यार। और बच्चे आप लोग कैसे हो, हैप्पी होली आपको, सब परिवार सही था, है ना। हाँ। हम लोगों की तरफ से, है ना, हैप्पी होली, छोटी होली आज। हाँ, हैप्पी होली की बहुत शुभकामनाएं, बधाई, है ना। हाँ। तो बस वही सूजी वगैरह भून रहे हैं, और मावा हम लोग शाम को लेने गए थे, लेकिन जहाँ से मावा लाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, इस वजह से वहीं से हम लाते हैं, तो वहाँ पर खत्म हो गया था। और अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में फोन करा तो भी खत्म हो गया था, तो अब 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, तो फिर अब हस्बैंड आते हुए लेकर आएंगे, क्योंकि बार बार फिर कहाँ यहाँ से जाओ, तो ये लेकर आएंगे। तब तक मम्मी बोल रही हम लोग जो मसाला वगैरह, ये सूजी वगैरह हाँ, ये थोड़ा सा मम्मी बोल रही भून देते हैं, तो हाँ सूजी वगैरह, मावा जब आएगा तभी भूनेंगे उस टाइम पर। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, और गुजिया थोड़ा बहुत बना रहे हैं, तो पहले हम लोग इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था कि हम बनाएंगे गुजिया, लेकिन मम्मी ने कहा थोड़ा सा मंदिर पे चढ़ाने के लिए, शगुन के लिए, क्योंकि हर साल बनाते हैं तो फिर क्यों स्किप करना है ना, तो बना देते हैं थोड़ा सा चढ़ाने के लिए प्रसाद वो है। और कल मम्मी और मैं गए थे थोड़ा सा इधर हमारे मार्केट की तरफ, तो थोड़ा बहुत सामान होली का, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए हैं दोबारा से, तो लेकिन ये है कि भैया हम लोगों का त्यौहार है, तो फिर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत से कलर कूलर हो गए, चिप्स वगैरह ये सब लेकर आए हैं, और गुजिया तो घर में बनेगी, तो बस तैयारी कर रहे हो, और आप लोगों के घरों में भी तैयारियां हो रही होंगी होलियों की, होली की तैयारियाँ हो रही होंगी। हाँ, तो बस, और बोलो मैं और बोलना है, और क्या बोलूँ। तो अभी जब हम लोग बनाए, अभी तो फिर मैं मम्मी कर रही है, मैं थोड़ा दाल दूल देखती हूँ क्या बनाती हूँ आज, और फिर हम लोग दिन के टाइम में लग जाएंगे गुजिया बनाने में, तो देखते हैं कितनी गुजिया बन पाती है, क्योंकि तो मुश्किल होता है वैसे सच्ची में बैठने में, ऊपर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, मम्मी तो नीचे बैठ ही नहीं पा रही हैं, और अब ज़्यादा मम्मी के पैरों में ज़्यादा दर्द होने लग गया है, तो डॉक्टर के पास जाएगी मम्मी अब एक दो दिन में, हम लोग एक्सरा वगैरह करवाएंगे, तो पानी भर गया मम्मी के पैर में, कि घुटने में मम्मी का गैप है ना, इस वजह से देखते हैं एक्सरा वगैरह करा के, तो इसलिए जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएंगे।
है ना। हाँ तो चलिए मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, मम्मी अपना सूजी वगैरह बुन रही है, मावा आएगा फिर मावा बुनेंगे। ठीक है तो यहाँ पर जो मावा है उसको भुन रहे हैं हम लोग और इसको थोड़ा भुनेंगे, और लाने में इनको थोड़ा सा लेट हो गया है तो थोड़ा सा गुजिया बनाने में भी लेट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे भुन रहा है और यहाँ पर मम्मी मैदा जो है वो मैदा अभी मोयन लगा रही है, मतलब क्योंकि इसे मोयन मोयन बोलेंगे ना। हाँ, तो इसको मम्मी अच्छे से मल रही है, क्योंकि अगर अच्छे से ये मला हुआ रहेगा ना तो वही फिर गुजिया जो है खस्ता बनती है, अच्छी बनती है। तो मम्मी अभी आधा आधा करके कर रही है, जैसे आधा आधा किलो के पैकेट ना, क्योंकि एक साथ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर पानी भी मम्मी ने अभी बहुत कम लिया है, इससे भी आधा लगेगा ना। तो बस हमारी मम्मी भून रही है और यहाँ पे मावा हमारा पक रहा है। सूजी तो हमने पहले भुनी दी थी, तो बस फटाफट अब गुजिया बनाते हैं। टाइम 3 बज गए हैं। यहाँ पर जो मसाला होता है ना गुजिया में भरने वाला, वो हमने रेडी कर दिया है। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कि मैं आपको बताऊँ। तो इसमें मावा है, सूजी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और कुछ भी मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, चीनी वगैरह या फिर हम लोग बूरा वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम बना रहे हैं गुजिया। तो पहले तो मैंने कुछ गुजिया, 5 से 6 गुजिया मैंने मशीन में बनाई है, जो गुजिया की मशीन होती है। उसके बाद सच्ची में ये जो साइड में से आटा बचता है ना, इतना दिमाग ख़राब होता है ना सच्ची में, तो मेरा तो भाई, और फिर बेलने वाला भी परेशान हो जाता है। तो मैंने क्या करा ना कि जो हलवाई लोग नहीं बनाते हैं साइड से ऐसे मोड़ देते हैं कॉर्नर से, मैंने सीधा वही बना दिया ना, इससे आटा बचा है। और मम्मी ने मोयन इतना अच्छा लगाया हुआ था कि ये ना कड़कड़ी हुई, ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने तो ऐसे ही बनाया है, और वो जो आटा बचता है बहुत दिमाग ख़राब होता है सच्ची में। तो बस ये है कि हम लोग हर साल बनाते हैं, तो थोड़ा सा शेकुन करने के लिए बना दिया है, बाकी मम्मी से नहीं होता है अब सच्ची बताऊँ तो। लेकिन मम्मी फिर भी कल लग जाती हैं, मम्मी कर लेती हैं, काफ़ी कर लेती हैं सच्ची में। तो ये भी एक जंग है गुजिया बनाना भी, जितना बेल रहे पूंछ निकालती रहती है, बेलते रहो पूंछ निकालती रहती है, गुजिया पकाना भी वही। तो यही है बस, अभी आधा घंटा हो गया हमें, और आधे घंटे में सिर्फ ये इतना बनाया है, तो ये बहुत मेहनत का काम है। लेकिन ये हो जाता है कि चलो बना रहे हैं तो यही बनी है तब से, बना रहे बैठे हैं, एक टांग सीधी कर गए, मुश्किल है गुजिया बनाना। पहले बहुत बनाते थे आपको, थोड़ा सा अभी बच्चे हो जाएंगे ना बच्चे, गुजिया का साथ दे देंगे गुजिया बनाने में, एक टांग दोरी दूसरी टांग पे हो जाएगी तो बैठ जाएगा। थोड़ा ये बेल, बच्चे थोड़े बड़े जाए तो कम से कम बेल तो लेंगे, बेल में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पता नहीं करते हैं क्या करते हैं, इनका जमाना पता नहीं क्या होता है। अभी तो इनको हो रहा है कि हमारे हाथ में पकड़ा दो, लेकिन जब इनको बनाना होगा तो ये देखो बड़ा गुजिया खाने वाला आगे, इनसे ज्यादा ये बच्चा है, इतने मेहनत से नहीं खाई जाती। अभी रात को 2-2 बजे उठ के ये खाते हैं। Oh,
अभी टाइम हो गया है 7:15 बज गए हैं और हम लोगों की गुजिया अब जाके बनी है और मम्मी और मैं ही है ना बनाने के लिए दोनों अकेले, तो इस वजह से बहुत टाइम लग गया है और मम्मी के पैर अकड़ गए हैं और मेरे भी कमर अकड़ गई है, तो फाइनली बस बन गई है जैसे तैसे बस बना दिए हम लोगों ने, शगुन कर दिया है आज छोटी होली के दिन। और अभी फिर हमें जाना है थोड़ा सा सामान लेने के लिए क्योंकि जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो कल हम लोगों ने नहीं लिए थे और आज संडे पड़ गया तो कोई आया भी नहीं फ्रूट्स वाला, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर तक और अपनी कॉलोनी से बाहर जा रहे हैं और देखते हैं फ्रूट्स वगैरह लाने वो लेकर आते हैं। और बस कपड़े यही पहन के जा रही हूँ मैं, कोई चेंज वगैरह कुछ नहीं क्योंकि कपड़े पहन बदलने का टाइम भी नहीं है और साथ में वो भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है अब टाइप चेंज करने की, तो बस दूध भी लेकर आएंगे साथ में 2-3 चीज़ें वो भी लेकर आना है, बस फिर आप लोगों से मिलूंगी घर में आकर। और आज का ब्लॉग ऐसे हो गया है बस गुजिया बनाने में ही हो गया, आप लोग भी अपने घर में गुजिया वगैरह बना रहे होंगे, बिजी होंगे आज और गर्मी, आज गर्मी लगी है सच्ची में गुजिया बना के गर्मी लगी है, तो बन गई है वो ठंडी होने के लिए रखी हुई है। आशर बाहर खेल रहे हैं और मम्मी और मैं जा रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर रही हूँ फिर मम्मी और मैं निकल रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है बाहर, वो देखो अंधेरा हो गया है तो हम लोग निकल रहे हैं। तो बच्चों देखो कैसी लग रही है आंटी तो ये देखो ये दो टोपी लाई मैं बच्चों के लिए। हेलो बच्चों दिया मैं कुछ कर रही हूं। तो आंटी कैसे लग रही है, मैं कहा तू भी पहन, मैं साथ ही पहनी थी एक और लग रही है ना, मैंने अच्छी ना नहीं मैं अरे यार मैं ये क्या किया रे, मैंने पहन रही जी मैंने पहन लिया ना बोलो पर ये वीडियो कल पाते बहुत सारा रंग लगाना हमारी तरफ से आप सभी, ठीक है मम्मी पे अच्छा लग रहा क्या हो जाए तो बस टाइम बस अपने अंदर के अहंकार है ना देश राज का दमन करना है, अच्छी पॉजिटिव रखनी है बस तो अच्छा ही रहता है ना। तो चलिए बाय बाय।